विद्यार्थियों, आपका टेस्ट नज़दीक है और आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोस्ले ने बनाया था और शुरुआत में मेंडलीफ ने बनाया था, तो मेंडलीफ ने तत्वों का भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन के आधार पर बनाया था, जबकि मोस्ले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया तो उन्होंने तत्वों का रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया। तो विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें 7 आवर्त और 8 समूह थे, लेकिन जो मोस्ले ने बनाया उसमें 7 आवर्त और 18 समूह हैं और उसको 4 खंडों में बांटा गया। तो पहला खंड जो था वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट में पहले समूह में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसीसियम है। दूसरे समूह में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है। तो जो एस ब्लॉक में एलिमेंट है, तत्व है, ये सब के सब धातु होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, पी खंड में जितने भी तत्व हैं, आप बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम, ये सब तत्व जो देख रहे हैं, आपका बेरिलियम है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर नियान है। तो ये पी खंड के ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इसमें सभी अधात होते हैं। और जो 18वां आपका समूह है, 18वां समूह जो है वो अक्रिय गैस का होता है, इनर्ट गैस का होता है, और इसको शून्य समूह भी कहते हैं या अक्रिय समूह के नाम से जाना जाता है। अक्रिय समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी तत्व होते हैं सबके अष्टक पूर्ण होते हैं, ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, इसलिए इसको शून्य समूह या अक्रिय समूह या इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब के सब नोबल गैस में आते हैं। इसके बाद उन्होंने डी ब्लॉक रखा। तो डी ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, फिर यहाँ पे आप देखिए तो आपका 13वां ग्रुप, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और लास्ट ग्रुप जो है वो 18वां का है। तो 18 समूह हो जाते हैं, आवर्त 7 ही रहते हैं। तो जो डी ब्लॉक में एलिमेंट हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और नीचे जो आपका है एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इसको रेडियो तत्व भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, या इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इस तरह से तत्वों को 4 भागों में बांटा गया, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के। एस ब्लॉक में धातु है, पी ब्लॉक में अधातु है, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व है और एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव तत्व या संक्रमण तत्व। थैंक यू मित्रों।